दोस्तों आज इंडिया पे दो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। पहला तो है टेक्नो पोवा 3, जिसके बारे में वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, स्पेशल ऑफर के साथ लॉन्च किया गया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और दूसरा फोन लॉन्च हुआ है भाई रियलमी की तरफ से, एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन रियलमी C30, जो कि फ्लिपकार्ट में लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल का प्राइस कितना रखा है और साथ में क्या इस मोबाइल को खरीदना चाहिए, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपका बजट बहुत ही कम है या फिर जानना चाहते हैं रियलमी C35 के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों रियलमी सी सीरीज जो है वो सस्ते में इससे पहले हमें काफी अच्छा अच्छा फीचर्स दिया है। कुछ मोबाइल तो हमें गेमिंग चिपसेट के साथ भी देखने को मिला है, साथ में रैम रोम या फिर बैटरी वगैरह हमें ठीक ठाक मिल जाता था इससे पहले की बात करता हूं मैं। बट इस बार रियलमी C30 का डिजाइन के बारे में बात करें दोस्तों, ये फोन आपको बैक साइड में सिंगल रियर कैमरा के साथ आपको सिंपल सा डिजाइन मिलता है, दो या फिर तीन कलर में मिलेगा। बट यहां पर फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, डिजाइन सिंपल सा है जैसे कि पहले का फोन में हमें मिलता था। बट अगर बात करते हैं गाइस यहां पर प्राइस का या फिर जो फीचर्स वगैरह दिया है, देखिए यहां पर जो प्राइस रखा है स्टार्टिंग का वो है 7,499 यानी 7,500 में इसका बेस ब्रांड स्टार्ट होता है। अब यहां पर 7,500 में क्या स्मॉल को परचेस करना चाहिए, चलिए वो भी जान लेते हैं। यहां पर दोस्तों इस फोन में आपको एक 6.5 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। IPS LCD पैनल है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों इस फोन में कुछ फीचर्स अच्छा है, जैसे कि यहां पर चिपसेट मुझे सही लगा, यहां पर यूनिसोक का एक चिपसेट मिलता है, यूनिसोक T612, जिसमें आप थोड़ा बहुत गेम खेल सकते हैं, फ्री फायर वगैरह रन करा सकते हैं। बट दोस्तों यहां पर रैम और रोम थोड़ा सा आपको कम मिल जाता है। एंड्रॉइड का गो एडिशन के साथ इस मोबाइल को लॉन्च किया गया है, इसी वजह से यहां पर 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज जो बेस वेरियंट है, साथ में आपको एक अलग वेरियंट मिलता है 3GB के साथ 32GB, तो यहां पर रैम और रोम थोड़ा सा आपको कम मिल जाता है। बट एक प्लस पॉइंट है, इस प्राइस में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता है, बट इस फोन में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। तो अगर आप डाटा ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ा सा फर्स्ट ट्रांसफर होगा, बट यहां पर दोस्तों जो रैम है वो थोड़ा सा ज्यादा और देना चाहिए था। बट यहां पर आपको जो बैटरी वगैरह दिया है वो है 10 वाट का नॉर्मल सा चार्जर के साथ 5000 mAh का बैटरी, तो बैटरी कैपेसिटी ठीक है। यहां पर फर्स्ट चार्जिंग ऐड कर देता ज्यादा बेहतर होता, बट दोस्तों यहां पर 10 वाट का नॉर्मल चार्जर है। अब यहां पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है कैमरा सेंसर, क्योंकि बैक साइड में ऐसा तो सिंगल रियर कैमरा दिया है, बट जो मेन सेंसर है दोस्तों वो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि मुझे नहीं लगता उतना कुछ खास फोटो निकाल के देगा। साथ में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और साथ में दोस्तों इस प्राइस रेंज में भाई फिंगरप्रिंट सेंसर तो होना ही चाहिए, क्योंकि और भी कंपनी है भाई, वो लोग तो दे रहा है तो आप भी दो भाई रियलमी। तो यहां पर भाई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, बाकी गाइस यहां पर फेस अनलॉक का आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यहां पर काफी सारा नेगेटिव फीचर्स भी है, और प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए इस प्राइस रेंज में आपको और भी काफी अच्छा मोबाइल जो है मार्केट में मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये रियलमी का C30 जो है वो परचेस करने लायक है। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन था रियलमी C30 के बारे में, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस फोन के बारे में कॉमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट हॉनेस्ट ओपिनियन आपको इसी चैनल में रेगुलर मिलता रहे। बाकी टेक्नो पोवा 3 के बारे में नहीं देखा है, वीडियो आ चुका है देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।